प्रभु, माता ने मुझे पहचान के लिए ये चूड़ामणि दी है। उन्होंने कहा कि इसे देखकर प्रभु को मेरी याद आएगी और वो शीघ्र आएंगे। चूड़ामणि सीता की ही है लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया, मिथिला में जब मैंने पहली बार सीता को देखा था, उस समय उन्होंने यही चूड़ामणि धारण की थी। लक्ष्मण, इतना ही नहीं, वनवास के समय इस चूड़ामणि को उन्होंने सदैव अपने पास ही रखा। ये उन्हें अत्यंत प्रिय है। अब मुझे सब कुछ स्मरण हो रहा है। लक्ष्मण, मैंने कितना मना किया था, किंतु उन्होंने मेरे साथ वनवास आने का एक पल में ही निर्णय कर लिया था, और मैं दुख के अलावा उन्हें कुछ ना दे सका। हाथों में धनुषबाण होते हुए भी मैं उनकी सुरक्षा ना कर सका। भैया, इस चूड़ामणि को हाथ में लेकर आप किष्किंधा में व्यथित हो रहे हैं, और भाभी भी आपकी अंगूठी हाथ में लेकर लंका में अश्रु प्रवाहित कर रही हैं। इस समय मैं एक पल भी शांति से नहीं रह सकता। मुझे आदेश दीजिए, मैं स्वयं लंका जाकर रावण और उसके असुरों को समाप्त करके भाभी को अपने साथ लेकर आता हूं। आप बस मुझे एक बार आदेश दीजिए। अधीर मत बनो लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, पर धैर्य से काम लेना होगा और हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी, और उससे पूर्व उस विशाल समुद्र के ऊपर हम सबको एक सेतु का निर्माण करना होगा, ताकि हमारी सेना अति शीघ्र वहां पर पहुंच सके। प्रभु, आप समुद्र की चिंता मत कीजिए, सेना को तैयार होने की आज्ञा दीजिए, हम आज ही यहां से निकलेंगे। ठीक है सुग्रीव, हम सब अति शीघ्र यहां से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंचेंगे, और उसके पश्चात युद्ध की रणनीति हम सब मिलकर बनाएंगे। तुम तैयारी शुरू करो। जो आज्ञा। नील, जामन, हाँ राजन, आप सब लोग भी मेरे साथ चलिए। जो आज्ञा दीजिए प्रभु। राम 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 राम। सुनिए सुनिए, एक आवश्यक सूचना है। क्या हुआ सेनापति, आप ऐसे दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? महाराज, लंकेश्वर रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण पाने हेतु इसी समय यहाँ पधार रहे हैं। क्या कहा, विभीषण हमसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं? भैया रुकिए, ये क्या, विभीषण के आने की सूचना पाकर आप उससे इस तरह मिलने के लिए अत्यधिक उत्साहित क्यों हो रहे हैं? लक्ष्मण, कोई हमसे मिलने आ रहा है और उसका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है। यदि कोई 2 कदम आगे बढ़ेगा तो हमारा कर्तव्य है कि हम 10 कदम आगे बढ़ें। चलो चलकर हम विभीषण का स्वागत करते हैं। भैया, भक्तों से आप प्रेम करें और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, अच्छा है, परंतु जो आया है वो हमारा मित्र नहीं, हमारे शत्रु का भाई है। तो क्या हुआ, चंदन के चारों ओर सदैव सांप लिपटे हुए होते हैं, परंतु वो अपना गुण नहीं भूलता। भैया, ये युद्ध का समय है, अगर शत्रु हमसे यहाँ पर मिलने आया है तो अवश्य ही वो एक गुप्तचर होगा, कहीं उसकी मित्रता कोई छलावा तो नहीं, उसकी मित्रता दिखावा हो सकती है, हमें सचेत रहना चाहिए। भाई, जैसा तुमने कहा कि हो सकता है कि वो शत्रु द्वारा भेजा गया हो, परंतु ये भी हो सकता है कि वो हमारा मित्र बनकर हमसे मिलने आ रहा हो, कुछ भी हो सकता है लक्ष्मण। और फिर तुम ही सोचो कि हम सबके एक साथ रहते हुए हमें किसी से भी किसी प्रकार का कोई संकट कभी नहीं हो सकता,
और विभीषण रावण का भाई अवश्य है, किंतु उसने सदैव सदाचार का पालन किया है, इसीलिए हमें उसके आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये बताइए, वो अपने भ्राता को छोड़कर हमसे मिलने आ रहा है, कारण मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए। रावण की दुष्टता से तंग आकर वो हमारे पास आ रहा होगा लक्ष्मण। प्रभु, चाहे जैसी भी शत्रुता हो, किंतु कोई भी अपने भाई को छोड़कर शत्रु से मित्रता करेगा क्या? सुग्रीव, रावण असुर प्रवृत्ति का है, परंतु विभीषण नहीं है। उसे धर्म और अधर्म का पता है, वो न्याय को मानने वाला है और अन्याय से दूर रहने वाला, इसीलिए विभीषण हमारे पास आ रहा है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, उसके पास हारने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। सत्य है, मेरे भाई ने अपराध किया तो हमने इनसे मदद मांगी और प्रभु श्री राम ने बाली को एक ही बाण से मार गिराया। हाँ प्रभु, सदैव धर्म की ही विजय होती है। प्रभु, यहां उपस्थित सभी लोगों में आप सबसे अधिक अनुभवी हैं। आप एक महान योद्धा और एक परम ज्ञानी भी हैं, इसीलिए आपसे एक आग्रह है। कहिए प्रभु। जो हमसे मिलने आ रहे हैं उनके विषय में कुछ बताइए। प्रभु, कपटी हिरन को सोने का हिरन समझकर उसके पीछे जाने से इतनी विपदाओं का सामना करना पड़ा। यदि वे लोग सच्चे हृदय से आए हैं तो उनका स्वागत कीजिए, ये हमारे हित में होगा प्रभु, यही मेरा सुझाव है। अच्छी बात है, मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूँ। हे हनुमान। आज्ञा प्रभु। विभीषण के संबंध में तुम कुछ कहना चाहोगे? प्रभु, सुग्रीव जी और जाम्बवंत जी ने आपको नीति और न्याय के बारे में बताया। उनके बताए नीति और न्याय अनुचित नहीं है प्रभु, उनके ज्ञान पर कदापि संदेह नहीं करना चाहिए, किंतु आपके शरण में आए हुए विभीषण को हमें उस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए प्रभु। अच्छा, ऐसा है? हाँ प्रभु, लंका में इंद्रजीत ने मुझे ब्रह्म अस्त्र में बांधकर जब रावण के दरबार में पेश किया, रावण को एक दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये विभीषण जी ने नीति और न्याय के अनुसार समझाया। उन्होंने लंकापति को बताया नारी बालक और दूत को दंड देने के पहले नीति का अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। केवल विभीषण जी ने ही लंका में आपके सेवक हनुमान को बचाने के लिए लंका में पूरा प्रयास किया। प्रभु, विभीषण ही पूरी लंका में अन्य असुरों के जैसा नहीं है, वो भी आपका भक्त है प्रभु। और विभीषण जी ने ही लंका में माता सीता कहां पर है मुझे बताया था। और प्रभु, विभीषण जी की ही तरह राक्षसी त्रिजटा अशोक वन में माता सीता को सदैव धीरज बंधाती रहती हैं प्रभु। और केवल इतना ही नहीं, अन्य राक्षसियों के अत्याचार से माता सीता की रक्षा भी करती हैं वो। प्रभु, त्रिजटा अपने पिता विभीषण की ही तरह दयालु है प्रभु। यदि विभीषण जी हमारे साथ रहे तो हमारे लिए उचित रहेगा, इसलिए प्रभु शरण में आए हुए विभीषण को मेरे विचार से हमें शरण देनी चाहिए और उसे आपकी सेवा का अवसर देना चाहिए प्रभु। हनुमान, सदैव अपने हृदय की सुननी चाहिए, पूर्ण विचार करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। विभीषण सोने की लंका का त्याग करके हम वनवासियों के मध्य आ रहा है, इसका अर्थ हुआ उसका हृदय सच्चा है और सच्चे हृदय वाले मनुष्य के भीतर स्वयं श्री नारायण वास करते हैं, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। सुग्रीव, प्रभु तुम शीघ्र जाओ और विभीषण को साथ लेकर हमारे पास आओ। जो आज्ञा प्रभु। मित्र आइए। नमस्कार। श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार। रघुकुल शिरोधार्य को प्रणाम। श्री राघव प्रभु को वंदन। मैं आपकी शरण में हूं। हे विभीषण, तुम परम ज्ञानी और परम तपस्वी हो, धर्म का पालन करने वाले हो, और केवल इतना ही नहीं, तुम दो वेदों के ज्ञाता भी हो। अनेक भूषणों से युक्त तुम विभीषण हो,
आओ। राम, मेघ की तरह हैं आप, कमल के समान आंखें, सूर्य के समान तेज से चमकने वाला चेहरा। इस समय जब युद्ध की तैयारी चल रही है और मैं आपके शत्रु की ओर से आया हूँ, आपने मुझ पर प्रेम दर्शाया, अपने हृदय में स्थान दिया। मैं आपकी प्रशंसा कैसे करूं प्रभु, कैसे करूं आपकी प्रशंसा? विभीषण, तुमने अपनी भावनाओं से मेरा हृदय जीत लिया है। मैं अति प्रसन्न हुआ। मैं तुमको वचन देता हूं कि लंका का महाराज बनाऊंगा। धन्यवाद प्रभु। आओ, हमारे साथ आओ। प्रभु, जब से मैं युद्ध के लिए निकला हूं, उस दिन से मेरा धनुष मुझसे कहता है कि विजय मेरी ही होगी, और आज तुम्हें पाकर मेरी जीत और सुदृढ़ हो गई है, और मैं मिलने वाली अपनी जीत को तुम्हें अर्पण करता हूं। अब अति शीघ्र मैं तुम्हें लंका का महाराज बनाऊंगा, केवल इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, परंतु इसलिए कि तुम एक धर्मी पुरुष हो, और मेरी इस बात का ये आकाश, ये समस्त धरती, ये समुद्र परम साक्षी हैं। आने वाले अनंत वर्षों तक जहाँ कहीं भी सत्य की बात होगी, प्रभु, वहाँ पर विभीषण का नाम सदैव आदर से लिया जाएगा। प्रभु, राम, राम, जय राम। विभीषण, महाराज दशरथ के हम चार पुत्र हुए हैं, कुगना को मिलाकर हम पांच बने हैं, और वानर राज, किष्किंधा नरेश, सुग्रीव हमारे छठे भाई हैं, और आज के दिन मैंने आपको अपना भाई बना लिया है। विभीषण, आज आप मेरे सातवें भाई बन गए। आइए, गले लग जाइए, आइए। आपको हृदय लगाकर मैं आज अति प्रसन्न हो गया हूँ विभीषण। राम राम, राम राम। भाई, भाई, प्रभु, आपकी शरण में आकर मेरा जीवन सफल हो गया, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अब जब भी मेरा जन्म हो तो मैं आपका सेवक बनके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जय राम। देखो विभीषण, हमें लंका जाने के लिए जल पर सेतु बनाने का कार्य आरंभ करना है। इसी सेतु पर चलकर हम लंका पहुंचेंगे और युद्ध करेंगे, और रावण के अन्याय को मिटा के रख देंगे। सुग्रीव, प्रभु, कार्य आरंभ करो। जो आज्ञा प्रभु। युद्ध, 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 और युद्ध आरंभ हो गया। अन्याय के साथ खड़ा हुआ असुरों का कुल शीघ्र ही समाप्त हो गया। लंकाधिपति रावण के कुल को आगे बढ़ाने वाला इंद्रजीत शेषनाग के अवतार लक्ष्मण के बाण से मारा गया। कुल के प्रति निष्ठा रखने वाले और मर्यादाओं का पालन करने वाले कुंभकर्ण अपने कुल का विरोध न करने के कारण युद्ध में मारे गए। तीनों लोकों में जिसका सामना करने वाला कोई नहीं था, वो रावण अपने अहंकार में आकर सीता का अपहरण करके लंका में ले आया और प्रभु श्री राम के हाथों मारा गया। लंका में वीणा की झंकार समाप्त हो गई। असुर रावण का हाथ पकड़ने वाली और न्याय पर चलने वाली कर्तव्य निष्ठता के लिए विख्यात रावण की पत्नी मंदोदरी ने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर अपनी जान दे दी। इधर युद्ध में जीतने के बाद श्री राम अपनी पत्नी सीता देवी से मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। सीता। स्वामी,
न्याय और संसार के नियम से तुम इस अग्नि में प्रवेश करो और सभी प्रकार की शंकाओं को समाप्त कर दो। जैसी आपकी आज्ञा।